साल पुरानी शापित फिरौन की लाश का रहस्य। 1898 में जब मिस्र में लाल सागर के किनारे एक अति प्राचीन मानव शरीर मिला, जो आश्चर्यजनक रूप से हजारों साल गुजर जाने के बाद भी सुरक्षित था, और सभी को इस मृत शरीर का रहस्य जानने की उत्सुकता रहती थी, तो इसलिए इस शरीर को 1981 में चिकित्सकीय खोज के लिए फ्रांस मंगवाया गया और इस शरीर पर डॉक्टर मॉरिस ने परीक्षण किए। परीक्षणों से डॉक्टर मॉरिस ने निष्कर्ष निकाले कि जिस व्यक्ति का यह शरीर है उसकी मौत समुद्र में डूबने के कारण हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस को उस डेड बॉडी में समुद्री नमक का कुछ भाग मिला था। साथ ही यह भी पता चला कि इस व्यक्ति को डूबने के कुछ समय बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन यह बात डॉक्टर मॉरिस के समक्ष अब भी एक पहेली थी कि आखिर यह शरीर अपनी मौत के हजारों साल बाद भी सड़गल कर नष्ट क्यों नहीं हुआ। तभी उन्हें अपने एक सहकर्मी से आश्चर्यजनक सच पता लगा कि कुछ मुस्लिम लोग बिना जांच पड़ताल और रिपोर्ट के सामने आए और उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति समुद्र में डूब कर मरा था और यह बॉडी उस फिरौन की है जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों का कत्लेआम करना चाहा था, क्योंकि फिरौन की लाश के सदा सुरक्षित रहने और उसके समुद्र में डूबकर मरने की बात उनकी पवित्र पुस्तक कुरान में लिखी है, जिस पर वह विश्वास करते हैं। अब मॉरिस को ये सोचकर बड़ी हैरत हुई कि इस डेड बॉडी के समुद्र में डूबकर मरने की जिस बात का पता मैंने बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों की सहायता से लगाया, वो बात मुस्लिमों को पहले से ही कैसे पता चल गई, और जबकि इस लाश के अपनी मृत्यु के हजारों साल बाद भी नष्ट न होने का पता 1981 से महज 83 साल पहले ही पता चला, तो उनकी पाक किताब कुरान में ये बात 1400 साल पहले कैसे लिख दी गई? इस शरीर की मौत के हजारों साल बाद भी इस शरीर के बचे रह जाने का कोई वैज्ञानिक कारण डॉक्टर मॉरिस या अन्य वैज्ञानिक जब पता न लगा सके तो इसे ईश्वर के चमत्कार के अतिरिक्त और क्या माना जा सकता था। तो चलिए जान लेते हैं फिरौन के बारे में और भी कुछ रोचक तथ्य। फिरौन ने खुदाई का दावा किया था कि मैं रब हूँ, और सबसे पहले उसके वजीर हामान ने फिरौन को खुदा माना और सजदा किया। फिरौन की लाश अभी भी इजिप्त के एक म्यूजियम में रखी हुई है। फिरौन के जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, और कमाल की बात फिरौन के मरने के बाद भी उसकी लाश सड़ी नहीं और उसके शरीर के गोश्त बढ़ते हैं। अब ये किसी चमत्कार से कम नहीं। फिरौन की लाश पर हर साल 14 मार्च को जंगली चूहे छोड़े जाते हैं और उसका सारा गोश्त चूहे नोच खाते हैं। तो अब इसे क्या माना जा सकता है कि फिरौन तो मर गया लेकिन उसका शरीर आज भी जिंदा है। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया था तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं उसके जिस्म से जान निकाल लूंगा और उसकी लाश को कयामत तक लोगों के लिए इबरत की निशानी बना दूंगा। अगर आप फिरौन की लाश आज भी देख लें तो आपको केवल ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आदमी सोया हुआ है। और एक कमाल की बात, फिरौन की लाश न जमीन लेती है न ही पानी, इसलिए उसकी लाश को हवा में रखा गया है। बताया जाता है यह सब कुछ फिरौन को दिए शाप के कारण हुआ है।